सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने अपने सालाना रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जिसमें DPS के स्टूडेंट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 10वीं और 12वीं के नतज में DPS ने 100% रिजल्ट सिक्योर किया। आइए नाजीन कुछ तलबा से बात करते हैं जिन्होंने मेहनत मशक्कत करके अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मैं मोहम्मद हमजा हूँ। आई एम फ्रॉम क्लास 12th। आई हैव सिक्योर्ड सेकंड रैंक इन माय स्कूल। आई टेकन PCV एज माय सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th एंड 11th, एंड दिस ईयर आई सिक्योर्ड द मोस्ट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो फ्रॉम माय स्कूल। हमजा, कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम नाटीपोरा। कितने परसेंट थे आपके? 97.4। तो फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे? I am thinking of becoming a doctor, hopefully. I've given NEET this year. Hopefully I'll, you know, qualify it and become a doctor. Yeah. कैसा रहा NEET का exam? It went pretty well. I have been brought up in a family of doctors. So, you know, I've always been surrounded by doctors. So, I think it's always been my passion to become a doctor. So, अभी के लिए my focus is to become a doctor. Then I'll think about आगे क्या करना है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, क्या थे आपके प्लान्स, कैसे मेहनत की एग्ज़ाम के दौरान, कौन कौन से चैलेंज आपको फेस करने पड़े? आई थिंक मेरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी वॉज टू रिमेन काम एंड कॉन्फिडेंट और नॉट प्रेशराइज माई सेल्फ एंड स्ट्रेस माई सेल्फ आउट टू मच, ऑल्सो फोकस ऑन हैविंग फन, यू नो, गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स एंड फोकसिंग ऑन माई स्टडीज एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं कि आई विल मेक माई लाइफ ऑल अबाउट दिस, ताकि मेरा दिमाग भी फ्रेश रहे, और आई थिंक दैट हेल्प मी अलॉट। ऑल्सो द सपोर्ट ऑफ माई टीचर्स, माई फैमिली, स्पेशली माई मॉम, उस सबसे आई बिकेम कॉन्फिडेंट। एंड आई थिंक सबसे बड़ा जो चैलेंज था वॉज टू गेन दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। हाँ जी, आपका नाम? मारूफ इम्तियाज। मारूफ, कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम रावलपुरा। हाल ही में आपने टॉप किया है, कितने परसेंट मिले? मैंने जो अपना 10th क्लास एग्जामिनेशन है वो 96.8% से पास किया है। आपका नाम? मेरा नाम अनीका शाह है और मेरे 10th में 96.8% है। मैं पीरबाग से हूँ। मेरा नाम अजमत है और मैं HMT से हूँ और 10th बोर्ड्स में मैंने 98.6% हासिल किए। मेरा नाम सिनीन है एंड आई एम फ्रॉम रावलपुरा एंड आई स्कोर 97.6 इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। अब पूछेंगे 12वीं जमात से। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सईद हेला कादरी है, मैं रावलपुरा से हूँ और मैंने 12th में 95.6% हासिल किए। क्या स्ट्रीम थी आपकी? आर्ट स्ट्रीम। जी, मेरा नाम लुबना है एंड आई एम फ्रॉम हारवन, आई सिक्योर 95.6। जी, मेरा नाम शफा अशफाक है एंड मुझे 12th में 97.6% आए, मैं पीबाग से हूँ। सबसे पहले आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद। यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि 10th तो हो गया, अब आप अगली जमात की ओर रुख कर रहे हैं जो कि 11th है, क्या मकसद है, क्या एम है, क्या स्ट्रीम लेना चाहते हैं आप? जी, मैंने मेडिकल स्ट्रीम ली है और मेरा मकसद ये है कि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट बन जाऊं और अपने पेरेंट्स को मतलब प्राउड फील करवाऊं और अपने को भी प्राउड फील करवाऊं, और मैं चाहता हूं कि मैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए मतलब मदद करूं, उनका जो भी गरीब लोग हैं जो इस वक्त एफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के पास जाना, उनकी मैं मदद करूँ, तो ये मेरा एम है। मैंने 11th में मेडिकल ऑप्ट किया है और मेरा इंटेंशन है मेडिकल को ही आगे परस्यू करना, हायर स्टडीज़ इसी स्ट्रीम में कंटिन्यू करना। मैंने 11th में नॉन मेड स्ट्रीम सिलेक्ट की है विद एन एडिशनल बायो, तो सिंस चाइल्डहुड मेरा ये इंटरेस्ट ज़्यादा मैथ एंड साइंस की तरफ ही था, सो आई वुड लाइक टू परस्यू इन करियर इन रिसर्च इन इन्वेंशंस एंड लाइक दैट। अगर हम कश्मीर की बात करें तो जब बच्चे मेडिकल या नॉन मेडिकल की तरफ रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं या तो उनका अपना सपना होता है या पेरेंट्स की तरफ से कोई दबाव होता है, क्या ये आपकी अपनी ख्वाहिश थी कि आप मेडिकल ले और इसी में आगे जाए? हिस्टोरियन बनना चाहता था, मुझे मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत शौक है मुझे और मैं पढ़ता भी हूँ मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो इन एडिशन आप वो तो कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी पेरेंट्स की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की है। आप बताइए, ये आपका सपना था? मेरी तरफ से पेरेंटल कोई भी प्रेशर नहीं था टू ऑप्ट फॉर मेडिकल, उन्होंने मुझे हमेशा कहा है जो मैं खुद से करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, तो मैंने आउट ऑफ चॉइस मेडिकल लिया। डेफिनेटली मेरी चॉइस थी मेडिकल लेना, मेरे पेरेंट्स भी इसी फेवर में थे, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, सो
सो हाँ, मुझे बचपन से ये था कि लाइक मुझे भी डॉक्टर बनना है, क्योंकि लाइक आई वॉज इंस्पायर्ड बाई हिम. आर्ट्स मेरी अपनी चॉइस थी. मैं हमेशा से सोशल साइंस में एज अ सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ. तो जब टाइम आया कि मुझे 11th में सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ा, तो मैंने सोचा जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मुझे वही परस्यू करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, इसीलिए मैंने आर्ट्स लिया. हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस मेरे अपने सब्जेक्ट्स हैं. दे हैव बीन लाइक बेस्ट फ्रेंड्स टू मी, दैट्स व्हाई. अपनी मेहनत और कोशिश से DPS के इन होनहार तालिबे इल्म ने CBSE इम्तिहान 10वीं और 12वीं में अपनी काबिलियत का मुजाहरा किया. उन्हीं तलबा और तालिबात से हमारी बात हुई और आगे कैसे ख्वाब रखते हैं वो भी इनसे हमने जानने की कोशिश की. नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही. कैमरा पर्सन मुश्ताक़ुल इस्लाम के साथ मैं सबरीन अशरफ, कश्मीर लाइव के लिए.